लोग सुन रहे थे जो सारस मिस्त्री जी की बड़ी जीत हुई है, लेकिन चल जी हम लोग आज न्यूज़ रूम में यही बात कर रहे थे कि दरअसल आज से बढ़िया मौका नहीं था टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को खरीदने के लिए, क्योंकि ये मामला तो पहुंच जाएगा देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में, और जिन लोगों ने पैनिक में आज ये शेयर बेच दिए वो सोचेंगे अरे हमने क्यों बेच दिए, और फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा और अब ज़्यादा समय देखिए बचा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर भी जाने वाला है, उसके बाद ये मामला के लिए एक नई तारीख आ जाएगी, तो तारीख पे तारीख वाला सिलसिला तो आपको पता ही है, लेकिन आज बहुत अच्छा मौका था दरअसल अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने के, लेकिन आज ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हुई है। देखिए दरअसल खबर बाजार में ये चल रही थी कि आज शाम को टाटा स्टील की एक बैठक होने वाली है जिसमें कुछ छोटी छोटी कंपनियों के में पैसा वगैरह डाल दिए जा सकते हैं, तो आप देखिए कई शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी, देखते हैं उसका बैठक का आउटकम क्या निकल कर आता है, सुबह सुबह हम आपको बताएंगे। टाटा ग्रुप की जनरली जो बोर्ड बैठकें होती हैं वो दरअसल बाजार बंद होने के बाद होती हैं, आउटकम आज देर शाम आएगा तो देखेंगे उसमें से क्या निकल कर आएगा, लेकिन देखिए लोगों ने आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स वैसे भी लॉन्ग कर रखे थे और ये खबर अकस्मात आई और इसीलिए हमने एक नीजर्क रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन जैसा कि आप लोग चाय पर चर्चा में अभी बात कर रहे थे कि बहुत ही बढ़िया मौका है लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स को खरीदने का, तो ये आज एक छोटा सा मौका बाजार ने दिया, जिन्होंने इसको खरीदा उनके फायदे हुए होंगे आई एम श्योर, लेकिन जो अचानक से रिएक्शन देखने को मिला ये ट्रेडर्स की तरफ से था जिन्होंने आज लॉन्ग पोजीशन बनाई थी उस इवेंट से पहले, और ये इवेंट दरअसल पहले हो गया प्रदीप। बिल्कुल, तो हमने यही बात की और अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़े थे जो कि दिग्गज कॉर्पोरेट सीईओ हैं, खुद बोर्ड्स पे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी, उन्होंने तो यही कहा कि खरीदने का मौका ही समझिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म देखें या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो जैसे आपने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा इसलिए फिलहाल तो स्टेटस को तो आज की गिरावट की रिकवरी होगी, लेकिन उनकी ये भी राय थी कि अगर वाकई में भी मिस्त्री साहब वापस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी जीतकर तो भी इन कंपनीज में आपको बेहतर ही रिटर्न मिलेगा, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी है तो बिल्कुल घबराए नहीं, टाटा ग्रुप आपको लगातार शानदार रिटर्न कमाकर देता रहेगा। चलिए इसके साथ ही फिलहाल वक्त है आपसे चाय पे चर्चा में इजाजत लेने का, आज एक और रिकॉर्ड्स का दिन और जाते जाते ये एक और तूफानी खबर की वजह से थोड़ी सी ब्लड प्रेशर जरूर कुछ ट्रेडर्स का आई हुआ होगा। 5 जो है वो कल हासिल होगा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं उसको चूमने के लिए, उस लक्ष्य को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए प्रदीप भाई। चलिए तो लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 की गिनती क्या बताती है। स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में। तो आज आपने पहली बार ये देखा कि आपके सभी सूचकांक नए नए लेवल्स पर पहुंचते हुए नजर आए, 41,500 के ऊपर। ध्यान रखिए आज ये पहला दिन था जब आपने सेंसेक्स को जाते हुए देखा, ये नया रिकॉर्ड लेवल सेंसेक्स ने छुआ, निफ्टी ने 12,237 का नया रिकॉर्ड बनाया और 32,293 करीब 32,300 ये था नया रिकॉर्ड लेवल जो निफ्टी बैंक ने छुआ। तो नए नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बाजार में जारी है और हर रोज बाजार में इस वक्त पार्टी चल रही है, एक नया ब्रेकआउट काफी इंतजार के बाद हो चुका है, तो इस सेंटा रैली का मजा हम लगातार लेते रहेंगे और साथ ही साथ अपने एक्सपर्ट्स की रिसर्च और उनकी राय आप तक पहुंचाते रहने वाले हैं। फिलहाल चाय पे चर्चा में लेंगे आपसे इजाजत, शैल जी और हेमंत के साथ साथ मुझे भी दीजिएगा इजाजत, शुक्रिया।